ओके प्रियांशु, सबसे पहले तो नए शो के साथ में आ रहे हैं, क्या क्या तैयारी कर रही हुई है इसके बारे में बताइए। तैयारी तो चालू है, मैं अभी नेक्स्ट वीक से शूट शुरू करूँगा एंड इट्स फन, इट्स समथिंग विच आई लव डूइंग, मेरे को मज़ा आता है करके। और अच्छा, कौन से कैमरे में लूँ? ठीक है, सो ये कुछ ऐसा है जो मुझे इंटरेस्ट आता है करने में, इट्स फन, इट्स एंगेजिंग। और बाकी लारा दत्ता है, अहमद जी हैं, डैना है जो इंटरनेशनली एक्लेम डांसर है, और फिर एक ऐसे क्रेजी बंदे का साथ है, तो इट वुड बी फन राइड यार, मज़ा आएगा। अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी 4 एपिसोड शूट किए हैं इसके, और एकदम भाई बोलेगा तो फर्स्ट क्लास था, एकदम मज़ा है। मैं लारा का ड्राइवर बना हूँ इसमें, और मैं ताई के साथ हमेशा जीत करता हूँ कि ताई मेरे को शूटिंग में लेके चलो, मेरे को शूटिंग में लेके जाओ, तो मैं ताई के एकदम बाजू में बैठता हूँ और पूरा A to Z ख्याल रखता हूँ उनका। तो मेरा काम है फुल एकदम कॉमेडी एलिमेंट लेके आना शो में, और बहुत कुछ है, आपको देखना पड़ेगा उसके लिए एक बार शो। और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इतना लेवल का टैलेंट जो हमने देखा है यहाँ पर शो पे, पूरे इंडिया से जो अपने एक तो कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है, एक तो पहली बार मतलब रिलेशनशिप पे पहली बार आ रहा है, और बहुत मज़ा आ रहा है करके। और यही कहूँगा कि आप लोग भी देखो, पता लगेगा क्या है। कुछ एक अंदाज हमने एवी में देखा जो कि बहुत ही कुछ हमें करके दिखाएंगे आप ऐसे? हाँ, मतलब ऐसा है कि मेरे को ना, मैं ऐसा हूँ कि मैं लारा के पास काम करता हूँ एज ए ड्राइवर, और खान साहब के लिए मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, खान साहब को मैंने पहले से देखा था। मेरी पर टाइगर बागी 3 में इसको लेंगे। हाँ, मेरे को लगता है बागी 3 में मेरे को लेंगे एज अ लीड स्पॉट बॉय, मतलब ऐसा मेरा वो उम्मीद है। और मैं प्यार करता हूँ डैना से, मतलब मेरे को देख के ही प्यार हो गया, फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा सेट पे मेरे को प्यार हो गया। और उसके लिए मैंने छोटा सा कविता भी लिखा है, आपको सुनाओ, बहुत सही कविता है। कविता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपुन को हो गया तेरे से प्यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हनीमून मनाएंगे इन अंडमान एंड निकोबार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चे करेंगे ओनली 4, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, घर कहाँ लेगी बांद्रा या खार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तेरा प्यार प्यार हुक्का बार बार। बस ये कविता मैंने डैना के लिए लिखा है, तो मेरे को पता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा भावना वहाँ तक पहुँचा रहेगा, तो वो मेरा ऐसा ही है। आपका कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? नहीं सोचा, जैसे मैंने बताया, हाँ सॉरी, लारा जी हैं। हाँ जी, तो शूटिंग वाइज अगर आप देखते हैं तो मेरा शूट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं ग्रैंड प्रीमियर से एंट्री करूँगा शो में एज अ होस्ट, तो वो अभी शुरू नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक मैं शूट करने वाला हूँ। बाकी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एक मन में एक एक्साइटमेंट है उस चीज़ को लेके कि इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, शो अपने आप में इंडियन टेलीविजन पे पहली बार है जहाँ पे एज कोई लिमिट नहीं है एक डांस शो के अंदर। डुएट्स में सब परफॉर्म करेंगे, मतलब जोड़ी में परफॉर्म करेंगे, और जोड़ी कोई भी हो सकती है। सो इंडिया का जो मेन एसेंस है, हम जो संस्कृति का जो सबसे ज़्यादा झंडा हमारा ऊपर जिस बात पे रहता है, वो यही है कि हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं इंडिया के अंदर। सो पहला डांस रियलिटी शो है जहाँ पे रिश्तों पे उसकी नींव रखी गई है, सो दैट्स अ वंडरफुल पार्ट, जहाँ पे अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग रिश्तों वाले लोग आकर डांस के थ्रू अपना रिलेशन एक्सप्रेस करेंगे, अपना डांस एक्सप्रेस करेंगे। सो लारा इज़ देयर टू सी दैट, अहमद जी हैं जो सब वो हैंडल करेंगे, वो ही लुक इन टू डांस एस्पेक्ट। और फिर हमारे पास डैना है जो इंटरनेशनल अक्लेम्ड डांसर है, कोरियोग्राफर है, सो वो वर्ल्ड लेवल का, ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर और जजमेंट लेकर आएंगी। और फिर हम दोनों हैं, हम दोनों मस्ती करेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे नहीं है कि शो में सिर्फ डांस के बेस पे हम जज कर रहे हैं, उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कितना उठ के आ रहा है, और कितना वो बॉन्डिंग नज़र आ रही है, मतलब जैसा मैंने कहा भाई भाभी, मम्मी बेटी, ऐसे फर्स्ट टाइम मैंने टेलीविजन में देखा है, तो उसके बेसिस भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि कैसे चल रहा है उनका पूरा जो रिलेशनशिप है, वो जो स्टेज पे कैसा दिखाई दे रहा है, तो उस पर भी सिलेक्शन हो रहा है। आप लोगों ने एवी में देखा होगा, हाँ। जेठ और बहू भी आ रहे हैं, जो इंडिया के अपने नॉर्मल घरानों के अंदर एक अपने आप में शॉकिंग बात है कि अगर मैं राजस्थान की और भी स्टेट्स की बात करूँ, वहाँ पे तो पर्दा तक रखा जाता है, तो ये सब उन टैबूज को भी हटाने के लिए कि यार अगर आप एक फैमिली में हो तो बी लाइक अ फैमिली, इंस्टेड ऑफ आप पर्दे में छुपके रहो या कुछ जो गलत नॉर्म्स हैं उसके अंदर रहो। सो इट्स अ टैबू, इट्स अ आंसर टू ऑल दैट ऑल्सो अपने आप में, तो खूबसूरत है यार। और आई एम श्योर जो लोग देखेंगे, लेवल तो एवी देख के पता चल ही रहा है, प्रोमो देख के पता चल ही रहा है, तो ट्रेलर अगर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी? ओके प्रियांशु, जैसे कि हमने आपको एक्टिंग करते हुए देखा है जी, इस बार आप होस्टिंग कर रहे हैं, तो एक्साइटेड है, क्या चल रहा है? मैं एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि होस्टिंग, वैसे मैंने अवार्ड शोज 2 होस्ट किए हैं, बट एक फुल फ्लेज्ड रियलिटी शो में पहली बार ही होस्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज समथिंग जो मैंने पहले किया हुआ है, पर हाँ
एक उसका जो एलैबोरेट फॉर्म है कि प्रॉपर 3 महीने के शो के फॉर्म में आ रहा है वो नया है, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है. और फिर एक ट्रस्ट वाली बात है कि सारे जितने भी लोग हैं जो प्रोडक्शन हाउस है, फ्रेम्स बना रहे हैं एंड टीवी पे आ रहे हैं, तो सारे अपने आप में अपनी लीग के बेस्ट लोग हैं. तो जब आपको वो ट्रस्ट होता है और फिर जब पता हो कि कॉमेडी करने के लिए कितना फैंटास्टिक बंदा है आपके साथ में, तो किसी भी तरह की नर्वसनेस का स्कोप नहीं रह जाता, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सब कुछ इन प्लेस है, सब कुछ इतना ऑप्टिमम पे रखा हुआ है कि जब शो आएगा तो धमाल मचाएगा. पक्का 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 पक्का. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. सर थोड़ा सा शॉर्ट्स ले तो Oh my gosh, so far the experience has been so amazing. This is an exceptional show. The talent is phenomenal. It's the relationships between the couples are amazing. It's just been an incredible experience. I've been like jaw dropped watching the dancers and just listening to the stories unfold. It's unlike anything I've ever seen. Okay, you are hosting the show, and how was the experience and all this? Tell us something. I'm sorry, one more time? Tell us something about your experience with the show, hosting. About judging? Okay, you're judging. Yes, I'm a judge. So far, like I said, the experience has been unbelievable. I've been floored at every turn. The talent is amazing. Incredible dancers. I've so enjoyed working alongside the other judges, and I've really been enjoying transitioning to living here in India. But the show is incredible. It not only has amazing dancers, but also has really heartwarming stories about their relationships with their partners. And I'm so thrilled to be part of it. It's such a special experience, really. Okay, how was the experience with Ahmed and Lara? Ahmed and Laura have been amazing to me. They've just been so warm and welcoming, and they've really been so patient with me. They know I don't speak Hindi, so they've been helping me and teaching me and really just been so warm, and they're so successful in their careers, so it's so amazing to work alongside them. It's really humbling, and I appreciate and really love them both. Yes. Do you like Indian dance, Indian culture, Indian relations? Yeah, it's been so cool to see. I've had some experience and some knowledge of Indian dance, but not as much as I've received since I've arrived. And watching Indian cultural dance is just so incredibly beautiful. And to see it executed here, it's like a whole nother level. And I have so much respect for it, and it's just so beautiful. And I've seen such cool relationships between the partners, things that we don't really get to see so much in the US, like a brother and sister-in-law who are very close, and it's just been really, really cool and just very special. Yes, and you speak Hindi? Because it's India, so you speak Hindi? I don't speak any Hindi. I'm just learning. I'm just very slowly learning. I'm going to have a tutor that's going to work with me an hour every day, and I'm going to be working as hard as I can to learn Hindi, because I really want to hear everything that everyone's saying. But for now, I have a translator in my ear that's helping me to stay on track while everybody's speaking Hindi. Wow, great. Thank you. That's it? Thank you. Thank you. You're welcome. Yeah.